अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे अपने पास इंडिया में एयरटेल और जियो है ना, और इस तरीके से पाकिस्तान में मोबिलिंक और टेलीनॉर और यूफोन वगैरह है, इसी तरीके से दुबई में जो है ना एतसलात और डू दो कंपनी से तीसरी आई है वर्जिन। लेकिन आज की अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं, ये समझ लें मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार दानिश भाई फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेश मतलब ये समझ लें जैसे कि बीकॉम वगैरह है, बीए वगैरह है, तो उनको कौन सी जॉब मिल सकती है, और या फिर 12th स्टैंडर्ड पास हो, 12वीं पास हो, इंटरमीडिएट हो, तो कौन सी जॉब मिल सकती है। ऐसी जॉब मिल सकती है जो मैं बताने वाला हूँ, देखें ऐसी जॉब मिल सकती है। एतसलात कंपनी है, ठीक है ना, इन्होंने बेसिकली आउटसोर्स किया हुआ अपना सेल्स डिपार्टमेंट, टेली कॉलर्स, टेली सेल्स, ठीक है, कहीं जाना नहीं है, आउटडोर की जॉब नहीं है, ऑफिस के अंदर बैठना है, ऑफिस के अंदर बैठ के आपने आपको जो पूरा डाटा होता है आपके पास, ठीक है, आपने कस्टमर्स को कॉल करना है, सेल्स टारगेट होता है, पहले बता दूं, टारगेट अचीव करना होता है, अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, ठीक है, टारगेट अचीव करना पड़ता है, काम क्या होता है बेसिकली वो बता दूं। देखें जैसे कि मोबाइल पैकेजेस सेल करना, ठीक है ना, होम इंटरनेट सेल करना, सर्विस को कैसे अपग्रेड करना है, आपकी सर्विस में ये प्रॉब्लम चल रही है, इतने चार्जेस पे करेंगे तो आपकी सर्विस में आपकी जो है 10 Mbps से 20 Mbps स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि इन शॉर्ट कंपनी की सर्विसेज को सेल करना, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली कम से कम भी जो है ना इंटरमीडिएट होना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश शुड बी वेरी गुड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई। तो सीन ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने रिक्वायरमेंट जो है इंग्लिश बहुत अच्छी मांगी, अगर अरबिक आती है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि अरबिक की नुआ होनी चाहिए, ठीक है, आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली आपको पूरा डाटा होता है आपके पास, पूरे कस्टमर्स के क्लाइंट्स के नंबर होते हैं, किसका पैकेज कब एक्सपायर हो रहा है, किसको कब कॉल करनी है, किसका होम इंटरनेट कनेक्शन एक्सपायर हो रहा है, किसको जो है इंटरनेट कनेक्शन कौन सा जो है दूसरे नेटवर्क पे उसको अपने नेटवर्क पे लेके आना है, इन शॉर्ट आपने किस तरीके से भी करके जो है ना अपना टारगेट पूरा करना होता है। अंडर प्रेशर होता है काम, मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग बोलेंगे कि दानिश भाई यार ये तो बहुत अंडर प्रेशर होता है, तो बगैर भाई टारगेट के बगैर लाइफ में जिसके कोई टारगेट नहीं है तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है ना, और कौन से सारी जिंदगी करना होता है, यहाँ टिक के बस आपने पकड़ा अपना लाइसेंस निकाला, लाइसेंस निकालने के बाद दूसरी जॉब ढूंढी। एनी हाउ तो ये कंपनी जो है आपको वीजा देगी और तकरीबन ये समझ लें 2500 दरम से लेके 3-3.5 हजार मैक्स 3500 दरम आपकी सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस लिखते हैं वो, फ्रेशर को भी कंसिडर करते हैं अगर इंग्लिश अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कहीं जाना नहीं है, अगेन बैठ के फोन पे ही आपने जो है सारे मामलात करने, आप एफिशिएंट होने चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अर्जेंट में हायरिंग चल रही है, इस कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है इन्होंने आउटसोर्स की हुई है, एतसलाट का डायरेक्ट वीजा नहीं है, ये इन्होंने आउटसोर्स करी हुई है, तो वो लोग अपना वीजा देंगे, ठीक है, तो इसका ईमेल एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोगों ने जो इंटरेस्टेड लोग हों, जिनको कॉल सेंटर वगैरह का एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश अच्छी हो, जो अभी दुबई में विजिट वीजा मतलब प्रेफर्ड है, ये समझ लें विजिट वीजा प्रेफर्ड है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां जाएं अपना अच्छे से सीवी बना के सेंड कर दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह ताला चाहेगा तो जरूर इंशाल्लाह ताला जिसको रिस्पांस आएगा तो उसकी सिलेक्शन भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगेन इंग्लिश अच्छी करें, इंग्लिश अच्छी करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।